इस वीक का मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ ट्यूसडे से। आज मैं बना रही हूँ कटलेट और कटलेट में आज ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। पहले भी मैंने अपने कुकिंग व्लॉग में ऐसे वाले कटलेट्स बनाए हैं, मखाने, काजू, बादाम, अखरोट, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल के एक तो इनकी गुडनेस भी मिल जाती है और साथ में ना कटलेट्स बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैं इन ड्राई फ्रूट्स को पहले रोस्ट करती हूँ और इनकी पाउडर बनाकर यूज़ करती हूँ। राई ने बहुत फ्रीक्वेंटली कटलेट्स मांगता है, पर मैंने रेस्ट्रिक्ट किया है कि उसे मैं वीक में एक ही दिन दूंगी, मतलब टिफ़िन में। बाकी मील्स में उसके होता है रोटी, सब्जी, दाल, राइस, इस तरह की चीज़ें नॉर्मली ब्रेकफास्ट में होती हैं। कटलेट्स में बाइंडिंग के लिए मैंने डाला है रोस्टेड ज्वार का आटा और बाकी फिर मैं हल्दी, मिर्ची, मसाले में मैं चाट मसाला डालती हूँ कभी, साथ में किचन किंग, कभी छोले मसाला, कभी चिकन मसाला, ऐसे स्पाइसेस चेंज करती हूँ। तो इन बेसिक चीज़ों से ही और गार्लिक से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप लोग अपने बच्चों को नॉर्मली टिफ़िन में क्या देते हैं? आई नो सबके बच्चों के प्रेफरेंसेस और टेस्ट अलग होते हैं। कोई फसी ईटर होता है, कोई चुपचाप से सब खा लेता है। मैं कटलेट्स को कॉर्नफ्लेक्स में कोट करती हूँ जवार के आटे का बैटर बना के। तो आपको हर वीडियो में ऐसा लगेगा कि हार्ट शेप कटलेट है, सब सेम ही होगा, पर सारे कटलेट सेम नहीं होते हैं। चीज़ें बदलती है इनके अंदर वाली, यानी जो अंदर स्टफिंग है वो अलग अलग होती है। वेजिटेबल्स यूज़ करती हूँ, ड्राई फ्रूट्स यूज़ करती हूँ, कभी ग्रीन कलर का स्पिनच का, कभी रेड कलर का बीट रूट वाला। कच्चा करना मत खाओ ना, मैं बनाती हूँ उसे। खाना है? नहीं अभी नहीं बेटा। नेक्स्ट अब मैं इन्हें कोट करूंगी। राही ने यहीं पे आसपास चक्कर काट रहा है और उसे कॉर्नफ्लेक्स खाने, मतलब जो चूरा बनाया है मैंने, यह है ज्वार का आटा। ये भुना हुआ है, इसे आप माइक्रोवेव कर सकते हैं या फिर गैस पर तवे पे या कढ़ाई में भून सकते हैं। थोड़ा सा ही बेटा, ये देखो खत्म ही हो गया, अभी टेस्ट कर लो बस। तुम वो लेके क्यों जा रहे हो? थोड़ा सा टेस्ट करके दो मुझे। दो। अरे कटलेट्स के ऊपर लगाना है बेटा, वो उतना ही बचा है, मैं और लाऊंगी तब दूंगी तुम्हें। ये ले लो तुम्हारी मिठाई। खाने दो बस बेटा, कटलेट्स को लगा देती हूँ फिर देती हूँ उसके बाद जो बचेगा वो। ये मिठाई ले जाओ, अपनी मिठाई ले जाओ। एक बार खाने दो मुझे। रुक जाओ बेटा, कटलेट की स्टफिंग में मैंने पूरा आलू यूज़ नहीं किया था। अब मैं बचा हुआ आलू इसमें मिक्स करके और एक्स्ट्रा मसाले डाल के हमारे लिए नाश्ते में पराठे बनाऊंगी। तो पराठे तो स्टफ्ड कभी भी अच्छे लगते हैं, फिर वो नाश्ते में हो, लंच में हो या डिनर में। नेक्स्ट पराठों के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ। राहिन्य डे बाय डे काफ़ी ओपन हो रहा है काफ़ी सारी अलग चीज़ें ट्राई करने के लिए, खाने के लिए, वरना एक टाइम था जब वो सब खाता था, फिर वो टाइम चला गया जब वो एक साल का हो गया, फिर उसने नखरे करने शुरू कर दिए। आई थिंक बच्चे ऐसा करती ही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। और फिर यूजुअली हर कोई सलाह देता है कि आप ये खिला कर देखें, वो खिला कर देखें, पर आखिर हम ही समझ पाते हैं कि बच्चे कैसे मानेंगे या किस तरह से उन्हें ट्राई करवाया जाए नया। एंड आई एम हैप्पी कि जो भी ये चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं घर पे, ये वर्कआउट हो रही है और राहिन्य अलग अलग टेस्ट और फ्लेवर्स और टेक्सचर्स खाना पसंद कर रहा है।
राहिन्य का टिफिन रेडी है उसके फेवरेट कटलेट्स के साथ और हमारे लिए मैं बना रही हूँ स्टफ्ड पराठे। तो पराठे यूजुअली जब भी मैं बनाती हूँ स्टफ्ड वाले, तो मैं उनके लिए पहले से ही गोल यानी बॉल्स स्टफिंग के बनाकर रख लेती हूँ। ऐसा करने से हाथ क्लीन होते हैं, काम फास्ट हो जाता है, ये हर बार मैं कहती हूँ। आई थिंक आप मुझे फॉलो करते तो आपने सुनी होगी मेरे मुँह से ये बात बहुत बार, बट येस इट्स वेरी यूजफुल। अगर पराठे गर्मा गर्म खा रहे हैं तो उसे अच्छा सा क्रिस्प करके घी में अच्छे से फ्राई करके बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब फ्राई यानी लिटरली फ्राई नहीं, बट थोड़ा सा ज़्यादा घी। तो ये हमारे गर्मा गर्म आलू ड्राई फ्रूट्स वाले पराठे, क्योंकि इसमें कटलेट वाला भी मिक्सचर है तो इसमें भी ड्राई फ्रूट्स हैं। ओके बेटा, आज हमारे नाश्ते में और राहिनी के टिफिन के लिए, दोनों के लिए मैं बना रही हूँ पोहे। एक ही तड़के में बनाऊंगी कम मिर्च वाले। क्या अंकल ने लेके आया? नहीं अंकल हो ना, फिर मैं अंकल ने लेके आया। तुम अंकल हो? हाँ। तुम पोहे लाए हो? हाँ। तुम अंकल हो? हाँ। तुम अंकल कब बने? वो बाहर जाके लेके आया उधर से। तो अंकल बन गए? हाँ। गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग। बोली बोलना है। ओके। ये वाला जिंजर कैंडी खाओगे? नहीं मुझे नहीं चाहिए जिंजर कैंडी, तुम खाओ ना। नहीं मुझे स्पाइसी लगता है। मुझे भी स्पाइसी लगता है, मुझे क्यों खिला रहे हो तुम? तुम नहीं खाते? मिर्ची खा लेगा और अनियन खा लेगा ये। अच्छा स्मेल। अरे स्मेल नहीं आ रहा मिर्ची का। बहुत ज्यादा स्मेल मत लो राहिन्या, तीखा लग जाएगा ना, फिर आइस में जाएगा। टीयर्स आ रहे हैं? हाँ। तुमने प्याज को कितनी पास से सूंघा, अनियन कितने पास गए, इसलिए टीयर्स आ रहे हैं। सारी कटिंग चॉपिंग मैंने कर ली है। मटर भी मुझे पसंद है पोहे में, पर राहिन्य मटर निकाल देता है। अगर पराठे में मटर है, कटलेट में है क्रश किए हुए, उसे चल जाते हैं, तो पोहे में मैं नहीं डालने वाली। अच्छा खासा प्याज तड़के में जब डलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है पोहे में। तो प्याज और आलू मैं डाल रही हूँ और बाकी तो एकदम बेसिक चीज़ें इसमें पड़ती है, जैसे कि हल्दी, हरी मिर्च, नमक। कभी कभार पोहे में मैं सांभर मसाला भी डालती हूँ, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और नमक के साथ साथ थोड़ी सी चीनी आमतौर पे पोहे में डाली जाती है। मीठे नहीं होते पोहे, पर एक अच्छा बैलेंस आ जाता है। और फाइनली फिर उस पर नींबू का रस अगर निचोड़े तो और भी बढ़िया लगता है। लास्ट में धीमी आँच पे बस 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक कर रखती हूँ और इसके बाद ये रेडी हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, मॉइस्ट बनते हैं। आज राहिन्य के लिए मैं बना रही हूँ पास्ता पालक के पेस्ट के साथ।
सबसे पहले मैं पालक को धोऊंगी और उसके बाद 2 मिनट उबलते पानी में इसे ब्लांच करूंगी। ब्लांच करने से अच्छा कलर आ जाता है। और हाँ, पालक का पास्ता सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े भी खाएंगे तो बड़ा टेस्टी लगता है। इस बहाने पालक भी खाया जाता है और एक अच्छा सॉस मिल जाता है पास्ता के लिए। अगर आप पास्ता बना रहे हैं अपने लिए या फिर स्पेशली बच्चों के लिए, तो कोई अच्छा वीट वाला पास्ता खरीदें। इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड होते हैं, उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। पालक ब्लांच हो गया है, बस 2 मिनट उबालना ही काफ़ी है। इसे अब मैं ठंडा होने दूंगी और उसके बाद ग्राइंड करके पेस्ट बनाऊंगी। आपके बच्चे यूजुअली टिफ़िन में क्या पसंद करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो कोई हेल्दी चीज़ खाएं और वो ऐसे तो नहीं खाते हैं, तो आप किस तरीके से क्या ट्रिक ट्राई करते हैं, हर किसी का अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। तो ये पालक का पेस्ट रेडी है। हमारे लिए मैं बनाने वाली हूँ देसी फाइड स्पैनिश ऑमलेट, और ये आलू ऑलमोस्ट अधूरा हार्ट शेप का मुझे यहाँ पर लग रहा है। पास्ता बॉयल हो गया है, इसे मैं थोड़ी देर में तड़का दूंगी। और पहले मैं यहाँ पे आलू सौते कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी के साथ और नमक के साथ और थोड़ी सी मिर्च। तो ये अच्छे से जब पक जाते हैं आलू और फिर ऑमलेट के यानी अंडे में मिक्स किए जाएं, तो ऑमलेट बहुत ही अच्छा बनता है। आलू को पकने के लिए मैंने साइड में रख दिया है, और राहिनी के लिए मैं पास्ता बना रही हूँ। तो नॉर्मल तेल में थोड़ा सा पालक का प्यूरे, बाकी मैं ऑमलेट में यूज़ करने वाली हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करके नेक्स्ट में इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, और मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देती हूँ थोड़ी सी मिर्च के साथ। तो एकदम बेसिक मैं तड़का देती हूँ, अगर वो टमाटर वाला भी पास्ता क्यों ना हो। और आखिर में चीज़ डालती हूँ, और चीज़ के लिए मैं हाफ स्लाइस डाल देती हूँ। अदरवाइज़ राहिन्या चीज़ खाता नहीं है, वो पिज़्ज़ा वगैरह का इतना शौकीन नहीं है, तो वंस इन अ वाइल फिर मैं उसके लिए जो चीज़ें बनाती हूँ उनमें यूज़ कर लेती हूँ। ये पास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये तो राहिन्या के लिए मैंने यहाँ पे बहुत लिमिटेड पालक प्यूरी यूज़ की है। अगर आपका बच्चा पालक प्यूरे खाता है या फिर आपको भी पसंद है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में पालक प्यूरे डालें, एक अच्छा सा सॉस बन जाएगा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वैसा पास्ता भी बहुत अच्छा लगता है। राहिने का टिफ़िन रेडी है। नेक्स्ट अभी मैं एग का ऑमलेट बनाऊंगी, जिसमें नॉर्मल मसालों के साथ एग में मैं फ्राई किए हुए आलू डालूंगी और साथ में थोड़े से मसाले और पालक की प्यूरे। एक मुझे दो। कैसे करूंगा मिक्स? करो मिक्स। एक तोड़ता उसको। क्या बना रहे हैं? मम्मा डैडी ऑमलेट खाएंगे। तुम्हारे लिए मैंने ग्रीन पास्ता बनाया है, तुम वो खाओगे ना बेटा? ये पिजन आ गया, उसको भगाओ। गो गो, जल्दी भगा के आओ। ये क्या है? नमक। ये चिली फ्लेक्स ऑमलेट। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, अभी नहीं नहीं ऐसे पूरा। ठीक से धीरे धीरे। हाँ ऐसे, वेरी गुड। हो गया, अब मम्मा ऑमलेट बना देगी। थैंक यू बेटा, दे दो। अभी मुझे हेल्प करना है बेटा। हो गई ना हेल्प।
थैंक यू। इसको और छोटा करना है। मैंने छोटे छोटे पीसेस डाले। डालू इसमें? हाँ। डालू? हाँ। लुक लुक राहिन, तुम बिग बॉय हो जाओगे तो मम्मा को ऑमलेट बना के दोगे ना ऐसे? हाँ। मम्मा के लिए बनाओगे तुम? गरम। अरे रेत रेत क्या है? चिली फ्लेक्स। मैंने ऑमलेट बनाया। जाई जाई बस ना। कट कर रही हो उसको? कट कर रही हो इसका? पिज्जा बना रहे हो? पिज्जा थोड़ी ऐसे कट करते हैं, किसी भी राउंड चीज को तो पिज्जा थोड़ी बन जाता है। पिज्जा? पिज्जा नहीं है बेटा ये। अरे आपने पिज्जा बनाया ना ऑमलेट का? ये छोटा सा गाजर बचा हुआ है जो मैं सोच रही हूँ कि आज रेसिपी में यूज़ करूँ। तो गाजर और आलू की मैं एक प्यूरे बनाऊंगी और बाकी जो तिल लहसुन और मसाले होते हैं वो डालकर आटा गूंद के ठेपला बनाऊंगी। ठेपला पराठा जो आप बोले, काफ़ी अच्छा बनता है इस तरह का पराठा भी। और इसमें आलू के अलावा या आलू के साथ और भी सब्जियाँ मिलाई जा सकती हैं। अलग अलग तरह की सब्जियां हम राहिन्या को खिचड़ी के फॉर्म में, दाल राइस में या फिर पराठों में देते हैं। और नॉर्मली दाल राइस जैसी चीज़ हम टिफ़िन में उसे नहीं देते क्योंकि दाल राइस गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छा लगता है। टिफ़िन में पूरा राइस और दाल इकट्ठा हो जाता है और राइस के साथ दाल राहिन्या को चाहिए ही चाहिए। इसलिए नॉर्मली जो उसकी लंच यानी घर पर जो खाना खाता है और डिनर के टाइम पर इस तरह की हम चीज़ें खिलाते हैं। तो पराठे में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची, मसाले और तिल। तिल काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है और अच्छी भी लगती है पराठों में। मैं यम्मी यम्मी पराठा। और यहाँ पर मेरे पास है किचन किंग मसाला। इतना यूज़ हुआ है कि उस पर लिखा हुआ किचन किंग भी काफ़ी फेंट हो गया है, मुझे वापस से लिखना पड़ेगा। खैर, तो ये आटा सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब जितनी प्यूरे इसमें आएगी उतनी डाल के मैं यहाँ पर आटा गूंदूंगी। Show me. This is broccoli. Oh, is this broccoli? Yes, this is a fruit. Hey, Deku. Hey, Deku, circle chocolate. Okay. Hey, Deku, daddy, broccoli, chocolate, leaf. Oh, Betsy. ये पराठे झटपट बन जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। गर्मा गर्म पराठे रेडी है तो वन बाय वन मैं सबके लिए बनाऊंगी। बहुत टेस्टी बनते हैं ये। ऐसे तो कोई चीज़ इसके साथ नहीं भी सर्व हो तो भी चल जाएगा, बट मैंने यहाँ पर सर्व की है शेजवान चटनी। कोई भी चटनी जो घर पर बनी हो गीली वाली वो अच्छी लग जाती है इस तरह के पराठों के साथ। अब राहिन्या के हर पराठे पर थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल रही हूँ, वो उससे बहुत अच्छा लगता है। तो हल्का सा जो चाट मसाला डलता है, बहुत ज़्यादा नहीं ताकि बहुत एकदम से नमक ना लगे, पर हल्का हल्का डालने से काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। और साथ में थोड़े से काजू। तो कभी काजू देते हैं कभी नहीं देते हैं, देखेंगे गर्मी में देना है या नहीं। आप सभी को थैंक यू हमारा बेसिक सा मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट और टिफ़िन वाला वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।